हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके साथ मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट शॉर्ट फॉर्म MTTM का एंट्रेंस पेपर डिस्कस करूंगा, जो कि आपको एक आइडिया देगा जो नेक्स्ट जो इस बार एंट्रेंस होगा उसमें आपको एक आइडिया देगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, हाउ टू रीड, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, जैसे MA इन इंग्लिश और MA इन हिंदी, BEd और MA इन सोशियोलॉजी, सब क्वेश्चन पेपर मैंने डिस्कस किया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके एक बार चेक कीजिएगा। मैंने BEd का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया हूँ और ऐसे GK का क्वेश्चन भी डिस्कस किया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर चेक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स द गवर्नर ऑफ आसाम श्री जगदीश मुखी वर्क एज एन, एंड द ऑप्शंस आर लॉयर, जर्नलिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर। ओके, प्रोफेसर होगा राइट आंसर। और जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर का आर्टिकल है वो है 153। ओके, याद रखिएगा 153 आर्टिकल है, आर्टिकल में हमारे गवर्नर आते हैं। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन टू, आपको बोगीबिल ब्रिज कनेक्ट्स धेमाजी डिस्ट्रिक्ट टू व्हिच अदर डिस्ट्रिक्ट, एंड आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओ सी। ओके, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। और इसका जो टोटल लंबाई है वो है 4940 मीटर। ओके, याद रखिएगा। और ये आपका डिब्रूगढ़ टू धेमाजी जोड़ता है। और एक जो हमारा जो ब्रिज है वो बहुत फेमस है, हमारे इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है, जो नाम है भूपेन हजारिका सेतु, जिसको हम धौला शौर्य ब्रिज भी कहते हैं। उसका जो टोटल लेंथ है 9150 मीटर। ओके, याद रखिएगा 9150 मीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच असमीज पर्सनैलिटी हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2019, एंड आपका थ्री का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उद्धव भराली। ओके, उद्धव भराली को भारत रत्न मिला था, सॉरी पद्मश्री अवार्ड मिला था 2019 में। ओके, और जो यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यादव पायेंग, इनको हमारा भारत का फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, इन्होंने एक खुद अकेले ही एक फॉरेस्ट का निर्माण किया था, उसका नाम था मलाई फॉरेस्ट। ओके, मलाई फॉरेस्ट, यादव पायेंग। और जो भूपेन हजारिका है, भूपेन हजारिका, इनको हमारा इस साल का भारत रत्न मिला है। ओके, भूपेन हजारिका और आपका नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को, इन तीन लोगों को भारत रत्न मिला है। देखिए इतना एक्सप्लेनेशन था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन इज द न्यू नेम ऑफ विच रेलवे जंक्शन, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुगल सराय जंक्शन, जो कि यूपी में है। ओके, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वेन्यू फॉर अर्ध कुंभ मेला 2019, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, आपका आंसर होगा त्रिवेणी संगम। ओके, त्रिवेणी संगम इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट यूथ एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया, और ऑप्शन से विराट कोहली, साइना नेहवाल, हिमा दास और मेरी कॉम, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास। ओके, फर्स्ट यूथ एम्बेसडर हिमा दास को बनाया गया था। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं। ओके, ढींग एक्सप्रेस, याद रखिएगा। और साइना नेहवाल, जो कि आपका वो साइना नेहवाल खेलती है आपका बैडमिंटन। ओके, बैडमिंटन खेलती है। और मेरी कॉम जो कि बॉक्सिंग खेलती है, जो कि 6 बार की विश्व चैंपियन है। ओके, याद रखिएगा, ये आपका मणिपुर से है। ओके, मणिपुर से है। और विराट कोहली जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, माउंट आबू इज लोकेटेड ऑन व्हिच माउंटेन रेंज। ओके, और राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरावली। ओके, अरावली, अरावली में लोकेटेड है, और ये राजस्थान में है। ओके, याद रहेगा, राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द इलेक्शन कमीशन पैनल व्हिच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन डिजिटल मीडिया एंड कैंपेनिंग ड्यूरिंग लास्ट 48 आवर्स बिफोर पोल्स। जो इलेक्शन कमीशन का एक मतलब पैनल था, जो कि मतलब डिजिटल मीडिया एंड कैंपेनिंग का मतलब पैनल था, जो कि 48 आवर बिफोर पोल्स के वो रिपोर्ट सबमिट करता था, उस रिपोर्ट सबमिट करने के चीफ कौन थे। ओके, हेड कौन थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उमेश सिन्हा। ओके, उमेश सिन्हा, जो हमारा देश का जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारा आर्टिकल 324 में आता है, याद रखिएगा, 324 में आता है। हमारे देश के जो मतलब प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा। ओके, सुनील अरोड़ा,
और उनके नीचे दो होते हैं, और जो उनके जो सहयोगी उनके दो सहयोगी जो मतलब इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो सहयोगी एक होते हैं चीफ, उनके नीचे दो होते हैं। चीफ है आपके सुनील अरोड़ा, उनके नीचे है एक अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। ओके, सुशील चंद्रा है दो है, और इलेक्शन कमिश्नर, ये चीफ है सुनील अरोड़ा और दो है वो उनके सहयोगी, उनका नाम है अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा। और हमारे देश के फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन। ओके, सुकुमार सेन याद रखिएगा। ओके, सो आप देखिए मैं थोड़ा कर्सर का रंग चेंज कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज वेन्यू ऑफ 25th एडिशन ऑफ पार्टनरशिप समिट 2019, एंड द राइट आंसर होगा आपका 9th का सी, मुंबई। ओके, मुंबई था पार्टनरशिप समिट का जो वेन्यू, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्क्वाश प्लेयर हैज वॉन द 2019 शटल ओपन टाइटल, एंड आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमित टंडन, रमित टंडन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, आरिबम श्याम शर्मा हो हैज डिसाइडेड टू रिटर्न हीज पद्मश्री अवार्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016 इज फ्रॉम व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एंड राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। वो मणिपुर से थे, और यहाँ पे देखें मणिपुर से थे, और जो मणिपुर के जो अभी के जो चीफ मिनिस्टर, उनका नाम है आपका एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर का नाम है, और वहाँ पे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजो नेशनल पार्क, याद रखिएगा केबुल लामजो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए केबुल लामजो नेशनल पार्क। और जो देखिए मिजोरम इस्टेब्लिश हुआ था 1987 को, याद रखिए 1987 को मिजोरम एक स्टेट बना था। ओके, और मेघालय है, मेघालय में आपके मतलब तीन ट्राइब पाए जाते हैं, तीन या चार ट्राइब, गारो खासी और जयंती, तीन ट्राइब पाए जाते हैं, उनका नाम है गारो खासी और जयंतिया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन, हो लेड द ऑल वोमेन आसाम राइफल कंटिजेंट विच हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया इन 2019। देखिए यहाँ पे ऑल वोमेन कंटेंजेंट जो कि हमारे राजपथ पर मार्च किया था, जो कि 2019 जो रिपब्लिक डे का परेड हुआ था उसमें जो किसने मतलब इसका लीड किया था। ओके, लीड किसने किया था, सो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, खुशबू कुंवर। ओके, खुशबू कुंवर याद रखिएगा, खुशबू कुंवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, Which of the following cities was the venue of the Paramanu Tech 2019? And आपका right answer होगा option number A, New Delhi. New Delhi is the right answer. Okay, याद रखिएगा, important question. Next question आपको बता रहा हूँ. Next question is the first ever global report Future of the Rail has prepared by which international organization? एंड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IEEA। ओके, IEEA IEEA का फुल फॉर्म है आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी याद रखिएगा, और IEEA का हेडक्वार्टर है पेरिस में। ओके, आप याद रखिएगा पेरिस में है। और देखिए IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उनका नाम है गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा, जो एक इंडियन है चीफ इकोनॉमिस्ट, याद रखिएगा IMF के। और हो के चीफ है उनका नाम है आपका टेड्रोस अदानोम। ओके, टेड्रोस अदानोम, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ के जितना भी होता है उसके लिए देखता है। और इनका हेडक्वार्टर है हो का आपका जिनीवा में। ओके, जिनीवा में हेडक्वार्टर है जिनीवा। और जो IMF का हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC। ओके, वाशिंगटन में याद रखिएगा, वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है। और जो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क में है। ओके, न्यूयॉर्क में है, और इसका जो न्यूयॉर्क में है। ओके, इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप्ड इन बजटरी प्रैक्टिसेस एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इन 2019।
एंड राइट आंसर होगा आपका इस ऑप्शन नंबर ए आसाम। ओके, आसाम ने जो 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 मतलब बजटरी प्रैक्टिस है उसमें टॉप किया था। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर फॉरमोस्ट। ओके, 16 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, हिंड सेट, हिंड मोस्ट। ओके, हिंड मोस्ट होगा फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का एंटोनिम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। और इसमें देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो है आपका 17 का बी, इट वॉज हिम। ओके, ओ सॉरी, बी हु केम, ये आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू व्हाइल अवे माई टाइम डैश न्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। एंड आपका राइट आंसर होगा 18 का बी के विजिटिंग, विजिटिंग का राइट आंसर। देखिए 19 क्वेश्चन, इफ ही कम्स वी डैश गो विथ हिम। 19 का आपका राइट आंसर होगा सी। ओके, सेल, सेल होगा, वी सेल गो, सेल होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिबेट वाज द फॉलोइंग वीक। 20 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपका एडजॉन टू फॉलोइंग वीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर वुड बी। एंड आपका राइट आंसर है इसका 21 का राइट ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑनेस्टी। ओके, ऑनेस्टी होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बी। 22 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज आउट ऑफ द ब्लू। ओके, आउट ऑफ द ब्लू का मीनिंग क्या होगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे आउट ऑफ द ब्लू मतलब आपका 20 का डी, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। ओके, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। 23 का क्वेश्चन, आई स्टडीड हार्ड बिकॉज आई न्यू दैट टेस्ट वुड डैश डिफिकल्ट। और इसका आपका राइट आंसर है 23 का ए, बी डिफिकल्ट। ओके, बी डिफिकल्ट, बी होगा। ओके, द ओल्ड मैन कार्ड आउट, ओल्ड मैन केयर्ड, ओल्ड मैन केयर्ड फॉर द कैट डैश इट वॉज हिज बेबी। 24 का डी होगा, एज दो इट वेयर हिज बेबी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर ट्रिप वी विल मीट टू डिस्कस द मैटर। सो इसका आपका राइट आंसर होगा सी। ओके, व्हेन, व्हेन इज द राइट आंसर। आपके कंजंक्शन ढूंढने को बोला था और व्हेन होगा कंजंक्शन। ओके, सो 26th क्वेश्चन, आर यू गोइंग डैश द एग्जामिनेशन टुमारो। 26 का राइट आंसर डी। ओके, आर यू गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन टुमारो फॉर। 27 देखिए, यहाँ पे देखिए मतलब आपका मतलब पैरा जंबल दिया है, अरेंज द जंबल पार्ट पी क्यू आर एस इन ए। देखिए आपका, इट वॉज वेल नोन दैट इज वेरी बैड ऑन चिल्ड्रेन द इफेक्ट ऑफ सिनेमा। देखिए द इफेक्ट ऑफ सिनेमा इज वेरी बैड ऑन चिल्ड्रेन, इट वॉज, इसका राइट आंसर होगा आपका 27 का, ये आप खुद कीजिएगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क दिया हूँ। ओके, ये होमवर्क है आपके लिए, आप खुद कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन व्हिच गिव्स करेक्ट स्पेलिंग। और 28 का आपका बी होगा, क्या वर्ल्ड, बी वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेट फ्रॉम गिवन चॉइसेस। 29 का आपका राइट आंसर होगा ए। ओके, हैरेस। ओके, हैरेस। उसके बाद 30 क्वेश्चन, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रिजॉइनिंग पावर इज नोन एज। इसका राइट आंसर होगा 30 का डी, इंटेलेक्चुअल। ओके, इंटेलेक्चुअल, 30 का डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 31, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का पार्ट है, तो रीजनिंग डिस्कस करेंगे आप हम लोग। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट नंबर एट प्लेस फॉर द सीरीज 6, 11, 21, 36, 56 एंड डैश। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है और 31 का राइट आंसर सी। ओके, 81 होगा। ओके, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग ए वोमेन, ए मैन सेड आर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन। एंड देखिए सी होगा इसका आंसर, राइट आंसर कजन। ओके, कजन। 33rd क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन कोड
फायर इज कोडेड एज DGPC. वट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड सूट? एंड 33 का राइट आंसर होगा आपका बी. ओके, बी आर बी होगा. ओके, आर. सो 34th क्वेश्चन देखिए. पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर ए मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैंस फादर इज माई फादर सॉन. हुज फोटोग्राफर वॉज इट? एंड आपका 34th का राइट आंसर होगा बी. ओके, हिज सॉन. ओके, हिज सॉन. 35th क्वेश्चन देखिए. अरेंज द फॉलोइंग इन ए मीनिंगफुल सिक्वेंस. एंड 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऑप्शन नंबर डी. 1, 3, 4, 2. देखिए लेटर होगा, उसके बाद 3 वर्ड, उसके बाद फ्रेज, उसके बाद सेंटेंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 36th क्वेश्चन. इफ स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड दिस डैश दिस लाइन स्टैंड्स फॉर सब्स्ट्रैक्शन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड माइनस स्टैंड फॉर द डिवीजन, देन 20. इसको सॉल्व करिए आप. 36 का राइट आंसर होगा आपका सी. ओके, 24. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 meters इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट. ही वेंट 20 meters बिफोर टर्निंग टू हिज राइट. अगेन ही टुक फॉर द हिज फादर एंड हिज अंकल्स प्लेस 30 meters फ्रॉम द पॉइंट. हिज फादर वॉज नॉट देयर. फ्रॉम देयर ही वेंट 100 meters टू हिज नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन ए स्ट्रीट. हाउ फार डिड द शॉन मीट हिज फादर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? एंड 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ओके, 100 meters. ओके, 100 meters. बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन? ओनली जेंटलमैन कैन बिकम मेंबर ऑफ द क्लब. मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर ऑफिसर्स. सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन इन्वाइटेड फॉर डिनर. और यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा 38 का बी. ओके, सम ऑफ द ऑफिसर्स आर जेंटलमैन. ओके, बी इज द राइट आंसर, 38 का बी. 39 का क्वेश्चन. हाउ इज माई फादर मदर्स ओनली डॉटर्स इन लॉज सिस्टर्स रिलेटेड टू मी? ओके, 39 का राइट आंसर होगा आपका ए, आंट. 40 क्वेश्चन. इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT. हाउ इज बॉम्बे कोडेड? एंड 40 का राइट आंसर होगा बी, CPNCBZ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12. व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? 41 का राइट आंसर होगा बी, 10th आएगा. ओके, 10 आएगा उसके बाद. सो देखिए 42nd क्वेश्चन. फाइंड आउट मिसिंग कैरेक्टर. और आपका राइट आंसर होगा सी, W. मिसिंग कैरेक्टर है W. फाइंड आउट द मिसिंग नंबर. और यहाँ पे मिसिंग नंबर होगा आप ये क्वेश्चन आप होमवर्क है, आप खुद कीजिएगा. ओके, दिस इज योर होमवर्क. ये होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आंसर. देखिए 44th का क्वेश्चन. फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ द फिगर प्रॉब्लम. और 44th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए. ओके, ए, 1 होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर दैट शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम फिगर. और 45th का होगा बी, 2 होगा. ओके, 2 आएगा, याद रखिएगा. और नेक्स्ट 46th क्वेश्चन. और व्हिच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाज प्रीवियसली नोन एज लूसा हिल्स डिस्ट्रिक्ट? एंड आपका राइट आंसर होगा आपका मिजोरम जो कि 1987 में फुल स्टेट बना था, याद रखिएगा, फुल स्टेट बना था. और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेंट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उमानंद आइसलैंड. ओके, उमानंद आइसलैंड जो कि गुवाहाटी में है, और माजुली जो कि हमारे आसाम में है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है. ओके, नदी द्वीप सबसे बड़ा है माजुली. और जो माजुली एक डिस्ट्रिक्ट भी है, याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट भी है. और नेक्स्ट क्वेश्चन. विच प्लेस कॉमनली नोन एज द पिरामिड्स ऑफ आसाम वॉज ऑल्सो ए कैपिटल ड्यूरिंग द अहोम रीजन? और 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी. ओके, आपका चराईदेव को बोला जाता है. और ये 1228 में जो कि चराईदेव है, जो 1228 में जो आहोम है वो आसाम आए थे, याद रखिएगा, 1228 में. नेक्स्ट क्वेश्चन.
वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स लोकटक लेक इज लोकेटेड व्हिच स्टेट, एंड आपका राइट आंसर होगा 49 का डी, ओके मणिपुर में है, मणिपुर। मणिपुर में एक फेमस जो नेशनल पार्क है आप याद रखिएगा, केबुल लामजो नेशनल पार्क, ओके, जो कि इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, याद रखिएगा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उसके बाद मणिपुर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, द रूमटेक मोनेस्ट्री कैन बी फाइंड इन व्हिच ऑफ द इंडियन स्टेट, ओके। रूमटेक मोनेस्ट्री जो कि आपका सिक्किम में है, ओके सिक्किम में है, और याद रखिएगा सिक्किम जो कि भारत का जो फर्स्ट और जो कि ऑर्गेनिक स्टेट बना है, ओके ऑर्गेनिक स्टेट है भारत का, और सिक्किम भारत में 1975 में शामिल हुआ था, ओके 1975 याद रखिए 1975, ओके याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यमटुंग वैली ऑफ फ्लावर्स इन लोकेटेड विच स्टेट, जो यमटुंग वैली ऑफ फ्लावर्स है वो कहाँ पे है, वो भी सिक्किम में है, ओके सिक्किम में है, सिक्किम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोंग इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशंस विथ, ऑप्शन नंबर ए ओकल्टिज्म, ओके ओकल्टिज्म, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मायोंग जो कि मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है जो कि आसाम में पड़ता है, याद रखिएगा। ब्लेट्स ट्रेगोपोन इज ए स्टेट बर्ड ऑफ, और आपका 53 का राइट आंसर होगा बी, ओके नागालैंड का है ये स्टेट बर्ड, ओके ब्लेट्स ट्रेगोपोन। और नागालैंड जो कि 1963 में आसाम से अलग हुआ था और स्टेट बना 1963, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली रामसर साइट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 54 का जो रामसर साइट है वो आपका जो कि आपका है दीपोरबिल, ओके दीपोरबिल जो गुवाहाटी में है, और जो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वो 1971 में हुआ था, जो आपका मतलब ईरान का रामसर नामक जगह पर हुआ था, ओके 1971 में हुआ था, और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, ओके 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, याद रखिएगा। 55th क्वेश्चन, उसको काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए पार्ट ऑफ, ये आपका टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैंग्रोव इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ये करके आप जीके का क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ओके होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटिश एडवेंचरिस्ट रॉबर्ट ब्रूस केम इन टू आसाम इन सर्च ऑफ वाइल्ड टी इन द ईयर, और आपका राइट आंसर होगा ए, ओके 1923 में आए थे, ओके 1923। उसके बाद देखिए 57th क्वेश्चन, जो मतलब टूरिज्म डेस्टिनेशन इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इंक्लूडेड द रीजन लाइक एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, आर्कटिक रीजन एंड तुंद्रा रीजन, ये भी होमवर्क है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका ये लिखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का, जो कीर्तन घोषा इज पोएटिक ह्यूम्स ऑफ, एंड राइट आंसर होगा 58 का बी, श्री श्री शंकर देवा, ओके श्री श्री शंकर देवा ने लिखा था, माधव देव ने लिखा था नाम घोषा, ओके माधव देव ने नाम घोषा लिखा था, याद रखिएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्पी थिएटर इन एशिया इज, और 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रंगर, ओके जो कि स्वर्गदेव परमात्मा सिंह ने बनाया था, रंगर किसने बनाया था, स्वर्गदेव आपको परमात्मा सिंह, ओके स्वर्गदेव परमात्मा सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल एज पर एज IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, और जो 60 का है ये भी आपका होमवर्क है, ये प्लीज़ आप खुद सर्च करके लिखिएगा, ओके थोड़ा सर्च कीजिएगा, सर्च करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, ओके सो ये जो IUCN का रेड डाटा लिस्ट है वो 1964 में मतलब गठन हुआ था, ओके 1964 याद रखिएगा, IUCN का रेड डाटा लिस्ट जो कि आपका जो मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज है और स्पीसीज फ्लोरा फौना